नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको डेवीएस मशीन्स के इन्फिल्ट्रेटर प्लगइन का ट्यूटोरियल देने वाला हूं। जैसे आपने शेपर बॉक्स का यूज़ करने वाली मेरी वीडियो देखी थी, तो इन्फिल्ट्रेटर कुछ कुछ वैसा ही है। इसमें आपको काफ़ी सारे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं शेपर बॉक्स में, जो आपको नहीं देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसमें आपको सीक्वेंस एडिटिंग का ऑप्शन और मिलता है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर इनका बेसिक वर्क क्या है, जैसे शेपर बॉक्स का था वैसे इन्फिल्ट्रेटर की मदद से आप किसी बोरिंग साउंड में किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर, आप जैसे कोई बार है वहां पर, आप LFO बना सकते हो। आप ही कहोगे कि हम ऑटोमेशन के थ्रू भी बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऑटोमेशन से बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। यहाँ पे आपको बनी बनाई ऑटोमेशन क्लिप भी मिलती है, और आप बहुत जल्दी ऑटोमेशन क्लिप ड्रॉ कर सकते हो जो कि लूप में हो रही हो। आप उनमें इफेक्ट्स को भी अप्लाई कर सकते हो और बहुत ही एडवांस तरीके से कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में ट्यूटोरियल देना चालू करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 10 इफेक्ट रैक देखने को मिलती हैं। इसमें आप कोई भी इफेक्ट्स को लोड कर सकते हो जो इन्फिल्ट्रेटर में आपको देखने को मिलते हैं। तो जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो यहाँ पर आपको देखो अलग अलग टाइप के लो पास फिल्टर और बैंड पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर देखने को मिलते हैं, लैडर, डिजिटल 101 और मॉडल 20 के। इसके अलावा आपको कॉम, रिंग मॉड्यूलेशन, फेजर, EQ, रिवर्ब, पैन, ऐसे बहुत सारे इफेक्ट्स और देखने को मिलते हैं जिसका आप यूज कर सकते हो इन इफेक्ट ट्रैक में। तो जैसे मैं सबसे पहले यहाँ पर कोई भी लो पास फिल्टर मैंने ले लिया है। अब देखो यहाँ पर आपको एक तो LFO की स्पीड यहाँ पर चेंज यहाँ से कर सकते हो, और दूसरा जो अमाउंट है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो मैं अभी इसको फुल कर देता हूँ। यहाँ पर आपको जो LFO का टाइप है, सिंगल डायरेक्शन और बाई डायरेक्शनल का है, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पर सिंगल डायरेक्शन रखना चाह रहा हूँ, और LFO का अमाउंट मैंने इस तरीके से सेट कर लिया है। अभी मैं आपको ये प्ले करके दिखाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो ये परमानेंट अप्लाई हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी कर्व सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने ये कर लिया है, अब मैं प्ले करके देखता हूँ। यहाँ पर आपको बहुत सारे कर्व देखने को मिलते हैं, आप इनमें से कोई भी कर्व सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर रैंडमनेस का भी यूज कर सकते हो। तो रैंडमनेस से भी आपको यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कर्व बन जाते हैं। मैं यहाँ पर ये वाला कर्व लेता हूँ, अब इसको सुन के देखते हैं। आप चाहो तो कर्व खुद भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे डबल क्लिक करना है तो यहाँ पर डबल क्लिक करने से पॉइंट बन जाते हैं, और मैंने इस तरीके का एक पॉइंट बना लिया है। तो ये हमने अभी एक फिल्टर का कर्व बना लिया है। आप चाहो तो यहाँ पर, अब जैसे मैं फॉर्मेट का यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर ये पैटर्न बनाया है। फिल्टर के बाद आपका ये फॉर्मेट अप्लाई हो रहा है, लेकिन मेरे को अभी ये अच्छा नहीं लग रहा है। मैं यहाँ पर रिंग मॉड्यूलेशन का यूज करता हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पर जो मिक्स है इसको कंट्रोल करना चाह रहा हूँ। ये मिक्स मैंने यहाँ पर 70% कर दिया है। इस तरीके से आप यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। अब फ्रीक्वेंसी शिफ्ट के बाद ये साउंड कुछ इस तरीके का सुनाई दे रहा है। आप चाहो तो कोई इफेक्ट यहाँ पर ऑन ऑफ भी कर सकते हो इस तरीके से। तो अभी मैंने तीन इफेक्ट्स को लिया है, चौथा इफेक्ट और मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर डेकीमेटर को ले लेता हूँ। तो आप सुनते हैं, थोड़ा सा मिक्स परसेंटेज में यहाँ पर कम करता हूँ। मैंने यहाँ पर चार इफेक्ट यूज कर लिए जो कि एक साथ अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब आती है एडिट सीक्वेंसिंग की। मैं चाहूँ तो इनको एक पैटर्न की तरह यूज कर सकता हूँ, कहीं कहीं पर इनको अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं अभी ये क्लिक कर देता हूँ, 2, 3, 4। तो ये है कमाल इस प्लगइन का। आप यहाँ पर इसकी भी स्पीड चेंज कर सकते हो, जैसे अभी 1/4 हो रही है, मैं इसको 1/2 कर देता हूँ। वैसे मेरे को 1/4 ही ज्यादा बढ़िया लग रही है। इसके अलावा आप देखो तो इसकी आप लेंथ को भी कम ज्यादा कर सकते हो, कुछ भी आप दोबारा कुछ इफेक्ट को चेंज करना चाह रहे हो, कई इफेक्ट आप कुछ पैलर में लगाना चाह रहे हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये है इन्फिल्ट्रेटर प्लगइन, जिसमें आप मास्टर में आप ड्राइव का इफेक्ट, मतलब डिस्टॉर्शन लगा सकते हो, कंप्रेशन लगा सकते हो, और क्लीन बेस भी कर सकते हो। अगर मैं क्लीन बेस को एक्टिवेट कर देता हूँ, तो 120 से नीचे की फ्रीक्वेंसी पर यहाँ पर से कोई भी इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। आप यहाँ पर डिस्टॉर्शन भी लगा सकते हो, कंप्रेशन भी कर सकते हो। तो हल्का सा अगर मैं कंप्रेशन लगाना चाह रहा हूँ यहाँ पर,
देखो आपने क्या साउंड चालू किया था और वो क्या बन गया, कुछ भी आप इसमें एडिटिंग अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो आई होप आपको एक छोटा सा ट्यूटोरियल इन्फिल्ट्रेटर प्लगइन पर पसंद आया होगा और आप इसको यूज करने वाले हो अपने म्यूजिक प्रोडक्शन में। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।